आप यहाँ कान्हा की मूर्ति रख सकते हैं। सुनिए, मैंने जो अंदर कहा वो बस, ना तो मैं आपकी बात सुनना चाहता था और ना ही आपकी शक्ल देखना चाहता। पर आपने जो अंदर झूठ बोला है उसके बाद मजबूरन मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी और आपकी शक्ल भी देखनी पड़ेगी। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास और कोई चारा था ही। और कोई चारा नहीं था, आपने झूठ बोला है सबसे। आपने मुझे तो सच बता दिया कि आपके साथ फेरे नहीं हुए, लेकिन सबके सामने आपने झूठ क्यों बोला? पता नहीं आप सच कब बोलती हैं और झूठ कब बोलती हैं। आप ही की वजह से मेरी परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा है, आप ही की वजह से मेरा भाई आज इस हालत में। अगर आपके भाई ठीक हो जाए और आपके परिवार की खुशियां लौट आए तो मेरा परिवार आज जिस हाल में है, क्या वो सब कुछ कभी ठीक हो सकता है? हो सकता है। मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना धर्म निभाऊंगी, रोहन बाबू की सेवा करूंगी, उन्हें स्वस्थ करूंगी ताकि वो आपको सच बता सके। तब मुझे क्षमा कर सके, आपको तब पता चल जाएगा कि फेरे क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि कान्हा की नजरों में आप मेरे पति हैं, कोई और नहीं। मुझे कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा कि आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है? बस एक बार रोहन इस घर में वापस आ जाए फिर आपका इस घर से भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। एक सवाल का जवाब देते जाइए, किसी भी पल हमारे बचपन की शादी पर विश्वास हो जाए तो क्या आप मुझे अपनाएंगे? आपके सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अगर आपको पता चल जाए कि कान्हा हमें मिलवाना चाहते हैं तो क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं जानता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हो गया तो? अगर मेरा भाई पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, इस परिवार की खुशियां फिर से वापस लौट कर आ जाए और बचपन के उस विवाह में मेरा पूरा विश्वास आ जाए तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। सच? पर ऐसा कभी नहीं है। संभव है। संभव करना मेरे कान्हा के हाथ में है। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर में छोटी बहू आ गई, रोहन को होश आ गया, अब आपके छोटे पोते को राज पुरोहित बना दिया जाएगा। छोटी बहू के नाम होगा और वो हंसते हंसते सब कुछ मेरे नाम कर देगी और फिर मैं सब कुछ
अपने बेटे विराट के नाम कर दूंगी और मैं विराट को राज पुरोहित बना दूंगी। यही थी ना वो विरासत जो आप मुझे नहीं देना चाहते थे। 12 साल पहले आप खुद ही दे देते मुझे, अब आपको क्या मिला ये सब करके? 12 साल की अपाहिजी। आप अभी भी उसके आ रहे हैं? आपको अभी भी अपने भगवान पर विश्वास है ना? होता है, अक्सर होता है। दर्द के कारण आदमी का दिमाग फिर जाता है, पर आपको तो इस दर्द से बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। एक बार सारी जायदाद मेरे नाम हो गई तो फिर आपको जिंदा रखने की मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं। मूर्ति के लिए स्थान सही लगा? चिंतित हो? रोहन को मिलने का दिल कर रहा है ना? बस हस्टिन की रस्म पूरी हो जाए फिर हम सब चलते हैं। रस्म आदि छोड़ के तो नहीं जा सकते ना? चल। आओ छोटी बहू। छोटी बहू, हमारे घर के मंदिर के पट 12 साल से बंद। ये पीढ़ियों से सुरक्षित रखे गए बोझ पात्र हैं, नई बहू के हाथों के निशान इस पे लिए जाते। क्या सोच रही छोटी बहू? निशान लगाओ। कहाँ जा रहे हो? जी दाइमा, मैं वो अभी हॉस्पिटल निकलना है ना, तो तैयार हो गया था। छोटी बहू, इसे भी हाथ लगा दो, फिर ये सब दान में दिया जाएगा। तुम लोग जाओ, अब हम सब अस्पताल के लिए निकलेंगे। अंबा, तुम बाबूजी का ख्याल रखने के लिए यहीं रुकना और ये सारा सामान भी भिजवा देना। जी। चलो छोटी बहू। चलो राधिक। दीदी आप चलिए, मैं आती हूँ। मैंने कोई अधर्म नहीं किया है काना, मैं बस अपने कृष्ण कन्हैया की पत्नी कहलाना चाहती हूँ। रोहन बाबू को होश आ गया है,
उन्हें बस अब जल्दी से पूरी तरह से स्वस्थ कर देना ताकि इस परिवार में खुशियां लौट कर आ सके, ताकि मेरे पति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर सके और मेरा जीवन सार्थक हो जाए। देव कहाँ है? वो हमारे साथ जाने वाला था। जी बड़ी माँ। चलो। बड़ी माँ आप लोग चलिए, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आ रहा हूं। ठीक है। छोटी बहू, डॉक्टर ने फोन पे बताया ना कि रोहन को होश आ गया, अब सब चिंताएं छोड़ दो। चलो ड्राइवर। चिंताएं तो तभी दूर होंगी जब रोहन बाबू मेरे पति को सब सच बताएंगे और मेरे पति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। जाने दामाद बाबू की तबीयत में कोई सुधार हुआ है या नहीं, मुको तो चिंता हो रही है। चिंता तो मुको भी हो रही है। राधिका के पति जब तक ठीक ना होवेंगे तब तक वो लोग शोक मनाते रहेंगे, तब तक मेरी चंदा के ब्याह की बात भी ना हो पावेगी। दामाद बाबू की तबीयत की फिक्र ये सोच के कर रही हो कि चंदा के ब्याह की बात कर सको? राधिका पे जो दुख का पहाड़ टूटा है उका कछु नहीं। क्या फर्क पड़ता है? किसान खेत के लिए पानी मांगे चाहे नहर के लिए, एक ही बात है, बात बादल के बरसने की है। राधिका के पति ठीक हो जाए बस। विराट, क्या हुआ? पूरी तरह से होश नहीं आया? नहीं बाबू, अभी सिर्फ आंखें खुली। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। नर्स, कुछ बोला इन्होंने? नो डॉक्टर। सभी इंजेक्शन दे दिए ने? यस डॉक्टर, लेकिन एक और इंजेक्शन देना अभी बाकी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि रोहन को होश आया है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से इसे बात करने के लिए तरस रही हूँ। देखिए, हमारे लिए इनका आंखें खोलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अभी ये नींद में है, आप धीरज रखिए, ये बहुत जल्दी आंखें भी खोलेंगे और आप सबसे बातें भी करेंगे। इन्हें ठीक होना ही होगा काना। इन्हें होश आ रहा है।
मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मम्मी, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? रोहन तुम्हारी तबीयत? मम्मी मम्मी आप इतनी बूढ़ी कैसे होगी? मम्मी आप ऐसी बूढ़ी होगी मम्मी, क्यों मम्मा? कैसे हो गई? बता ना मम्मा मोटी कैसे होगी बड़ी माँ? मुझे सुई लगाने आ रहे हैं मम्मा। कुछ नहीं होगा रोहन। नहीं सुई क्यों लगा रहे हो मम्मा? कुछ नहीं होगा। सुई लगाएंगे, सुई कुछ नहीं होगा। मैं सुई लेता दुखता है मम्मा, मैं सुई नहीं लगाऊंगा मम्मा, सुई नहीं लगाऊंगा मम्मा, प्लीज मम्मा सुई नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा मम्मा, नहीं लगाऊंगा प्लीज मम्मा, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा मम्मा, नहीं लगाऊंगा प्लीज मम्मा, मैं नहीं लगाऊंगा, सुई लगा दुखता है मम्मा, नहीं लगाऊंगा मम्मा, मम्मा प्लीज मम्मा नहीं लगाऊंगा मम्मा, प्लीज नहीं लगाऊंगा मम्मा, मेरे को सुई नहीं लगाना, मेरे को दुखता है मम्मा, प्लीज मेरे को सुई नहीं लगाना। रोहन ऐसे क्यों बात कर रहे? देखिए सर पे चोट लगने की वजह से इनका दिमागी संतुलन खो गया। दिमागी तौर पे अपनी उम्र से 12 साल पीछे चले गए। इसलिए अब ये एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं नहीं लगाऊंगा सुई प्लीज। रोहन मेरी बात सुनो। अच्छा एक बार देखो मेरी तरफ। रोहन तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम ही डॉक्टर हो मम्मा? कुछ नहीं होगा। बड़ी माँ, ये कौन है?